आनंद सर्विस सोसाइटी मूक बधिर बच्चों के लिए संस्था है। ये संस्था मैंने अपने भाई के नाम से स्टार्ट की। आनंद सोसाइटी के पीछे का सोच ये है कि जो समाज में मूक बधिर है, दिव्यांग है, जो डाउन ट्रोडन है, जिनको ना तो स्कूल का अधिकार मिला है, ना उनको ट्रेनिंग मिली है बराबर ताकि वो जॉब कर सकें, ये सोच है कि उनको हम समाज की मुख्य धारा में लाएं, मेन स्ट्रीम करें उनको, और उनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को हिंदुस्तान में मिलती है। इतनी सब परेशानियों के बाद में भी सक्सेस मिलती है। हमारे जो बच्चे, जो लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़े हैं, वो लोग आज गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, और वो लोग उनके ट्रेनी बने हैं, मतलब जो बोलने वाले बच्चे आज वो उनके टीचर बने हैं डेफ लोग। तो ये एक है कि सिर्फ चैलेंजेस नहीं, आप लगातार काम करते हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सनी कचेर सर हमारे पास आया और बोला कि मैं सामान्य बच्चों के जैसे पढ़ना चाहता हूं। तो मैं सनी कचेर को लेकर स्कूल गया तो प्रिंसिपल ने देखा, बोले ये मूक बधिरों का स्कूल नहीं है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा सर एक एक्सपेरिमेंट है, ये सफल हो गया तो पूरे हिंदुस्तान में एक नई चीज हो जाएगी, फिर इनको समझाएगा कौन। मैंने कहा सर मैं और मेरी वाइफ मोनिका हम अल्टरनेटिवली स्कूल आएंगे, और जो क्लास में नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ट्रांसलेट करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि सनी कचेर और सचिन रघुवंशी ऐसे और बच्चे क्लास में फर्स्ट रैंक पाए, और उन बच्चों के बीच में। ज्ञानेन जी और मोनिका जी, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे बच्चों के साथ जो कि मूक बधिर हैं, इनके साथ कई बार आपको किस्से आते होंगे यौन शोषण की। इतनी घटनाएं सर, और इतनी विभत्स है सर कि है ना, मतलब सुन के सोच के बहुत डर लगता है सर कि इतना बुरा इन बच्चियों के साथ होता है। हम लोग काम करने वगैरह जाते हैं, बच्चे अकेले घर में रहते हैं। हमारे रिश्तेदार का एक बेटा था, तो इनके साथ कुछ गलत हो गया, तो ये हमको समझा रहे थे कि, तो हम लोग समझ नहीं पाए कि कैसे, तो फिर इन्होंने गुड़िया द्वारा समझाया हमको, तो बाद में रात तक समझ पाए सर हम कि इसके साथ क्या घटना घटी है। मैंने आइडिया दिया मोनिका जी को, क्यों ना हम एक काम करें, बेबी डॉल खरीद कर लाए और एक मेल डॉल एक फीमेल डॉल इस टाइप से रखें और दोनों उसको रख के दे दें, एंड वो हमारी मेथड वर्कआउट कर गई और जबरदस्ती ऐसे ऐसे करके पूरा उसने समझा दिया। तो वो दैट वाज इनफ एविडेंस, तो पुलिस ने तत्काल उस आधार पे उसके बयान दिए। इन केसेस में और अच्छे से कड़ी सजा मिले मैं खुद वकालत की पढ़ाई करूंगा, और हाईकोर्ट में मैं वापस गया, लीड किया, फाइल मुझे वापस कर दी गई थी, उसमें अच्छा ऐतिहासिक जजमेंट आ गया। उसके बाद इन लोगों को आरक्षण का लाभ भी मिलने लग गया नौकरी के अंदर। इंदौर पुलिस ने तो मदद की है, लेकिन लीगली भी अब हम स्ट्रांग हैं ताकि इनके हम कवच बन के काम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पूरा विश्व जो है वो इस महामारी से तड़प रहा है, ऐसे अवसर में क्या हुआ, क्या कुछ करना पड़ा, कोई खास चीज करनी पड़ी बच्चों के साथ? जैसे ही अचानक लॉकडाउन हुआ, हमको ध्यान आया कि हिंदुस्तान में 70 लाख लोग हैं जो मूक बधिर हैं, उनको कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी। तत्काल हमने एक यूट्यूब पर चैनल बनाया और बना के वीडियोस अपलोड किए, और पूरे हिंदुस्तान के मूक बधिर लोगों ने उनको उसको देखा। वो देखते देखते अचानक एक दिन वीडियो कॉल आया साइन लैंग्वेज में, एक मूक बधिर का गुड़गांव में था, बोला 3 दिन से खाना नहीं मिला है, बाहर मैं गया तो पुलिस ने पिटाई की, बाहर नहीं घूमना, मेरी बात नहीं समझ पा रहे, आप हेल्प करो प्लीज। तो उन तक वो राशन पहुंचाया। उस वक्त एक स्टेज और आ गई थी कि लोग माइग्रेट करने लगे थे। उनसे मैंने कहा कि आप अपना वीडियो बनाकर भेजो साइन लैंग्वेज में, फिर मैंने टॉप की जो गवर्नमेंट ऑफिसर से उनको भेजना शुरू किया। तो पहले मध्य प्रदेश के बच्चे जो गुड़गांव में थे उनके बारे में बताया, तो ऑफिसर सेंसिटाइज हो गए, उन्होंने कहा ठीक है एक बस आ रही है, वो बस लेकर आई। फिर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में हम लोगों ने जब ये कहा कि ये बच्चे यहाँ पहुंच गए, 22 राज्यों से मूक बधिरों के वीडियो कॉल आने लगे, हमको भी हेल्प करो, हमको भी घर जाना है। ये जो माइग्रेंट हैं जो कि मूक बधिर हैं, इनके बारे में तो हम पहली दफे सुन रहे हैं, और आपने कितना प्रयत्न किया उसको करने के लिए, अद्भुत है काम आपका। मैं बताऊं आपको देवियों सच में, ये इनका दुर्भाग्य नहीं है कि ये बोल सुन नहीं सकते,
बल्कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनके आसपास होते हुए भी इनकी मूक बधिरता को देख नहीं सकते, इनके दर्द को महसूस नहीं कर पाते। इनकी जरूरतों को, इनकी खुशियों को, परेशानियों को, इनके सपनों को शायद अब तक हम न समझ पाए हों, लेकिन अब समझेंगे। अंत में ये मंच हर उस शख्स को सलाम करता है जो सेटबैक का जवाब कमबैक से देना जानता है।